पाकिस्तान की आम जनता पाई पाई को मोहताज है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से त्रस्त पड़ चुकी है। भारत में रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के बीच पाकिस्तान में गैस की कीमतों के बारे में जानेंगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। पाकिस्तान में LPG सिलेंडर की कीमत 1522 पाकिस्तानी रुपए प्रति सिलेंडर है, जबकि पाक के गैस सिलेंडर में बस 11 किलो गैस ही डाली जाती है। खास बात यह है कि पाकिस्तान समेत करीब सभी पड़ोसी मुल्कों में LPG कीमतें हमेशा प्रति किलो गैस के हिसाब से बढ़ती हैं, ना कि पूरे सिलेंडर पर। इसलिए अगर पाकिस्तान में 1 रुपए भी LPG के रेट बढ़े तो सिलेंडर में करीब 12 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। पाकिस्तान में भी रसोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। जनवरी में ही पाकिस्तान में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में प्रति किलो 2 रुपए का इजाफा किया गया था। तब वहाँ बढ़े हुए सिलेंडर की कीमत 1361 रुपए हो गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार कई दौर में कीमतें बढ़ती गई। आखिरी बार बीते मार्च में यहाँ प्रति किलो 9 रुपए कीमतें बढ़ाई गई। तब से यहाँ सिलेंडर 1522 रुपए का मिलने लगा है। वर्तमान में पाकिस्तान में 1 किलो रसोई गैस की कीमत 129 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि अगर कोई शख्स नया और गैस भरा हुआ सिलेंडर लेता है तो 5856 पाकिस्तानी रुपए का मिलेगा। पाकिस्तान में गैस की कीमतों का नियमन द ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी करती थी। पहले ही से महंगाई से परेशान पाकिस्तान अब खाने को भी मोहताज हो चुका है। गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तानी आवाम चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। अब ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने इस नए पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे? इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।